नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कस्टर्ड फलूदा बनाने के लिए हम एक पैन में एक टीस्पून देसी घी डालेंगे और इसमें हम बाज़ार से जो रेडीमेड वर्मिसली आती है इस तरीके की वो यूज़ करेंगे। अगर आप बारीक वाली सेवैयाँ यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इस वर्मिसली सेवैयों की सिकाई हमें अच्छी डार्क करनी है तो अच्छा गोल्डन कलर होने तक हम इसको भून लेंगे। तो ये अच्छा कलर हो गया है हमारा, एकदम गोल्डन कलर। अब इसमें हम फुल फैट क्रीम दूध लेंगे और ये 2 कप डाल देंगे। दूध हम कच्चा भी ले सकते हैं और पहले से गर्म दूध भी ले सकते हैं। मैंने कच्चा दूध ही लिया है ताकि हमारा जो मलई है वो अच्छी अभी इसके साथ से हो जाएगी। हम पहले से दूध गर्म कर लेते हैं तो दूध हमारा ठंडा होने के बाद मलई अलग रख देता है, तो इसलिए हमने कच्चा दूध ही यूज़ किया। फुल फैट क्रीम दूध या गाय का दूध, जो भी दूध अच्छा वाला हो आपके पास वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि गर्म वर्मिसली में हम इस तरीके से जब ठंडा दूध डालते हैं तो कई बार दूध हमारा फट जाता है। तो इसको आँच हम तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से गर्म हो जाए और इसमें एक उबाला आने देते हैं। आधा कप दूध लिया है हमने, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लेंगे हम दूध और गर्म दूध हमें यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे और 2 टेबल स्पून हम मिल्क पाउडर लेंगे। इन दोनों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में हमारे उबाला आ गया है, अब आँच हम कम कर देंगे और इस उबाले आते हुए दूध में हमने जो मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर गोला है वो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे और कंटिन्यू इस तरीके से चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे लम्स ना हो, आँच हम कम ही रखेंगे। हमारे इस मिश्रण में अच्छे से उबाला आ रहा है, अब इसको हम कम आँच पर ढक देंगे और इन वर्मिसली को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार हिला भी लेंगे। अब हम अपनी वर्मिसली चेक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी गाढ़ी भी हो गई है हमारी ये कस्टर्ड वाली घोल और वर्मिसली भी अच्छी सी फूल गई है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। अगर हम चीनी पहले डाल देते हैं तो वर्मिसली जो है वो फूलना और सॉफ्ट होना रुक जाती है चीनी की वजह से, तो पहले इसको गला लेना है और फिर हमें इसमें चीनी डालनी है। तो 1/4 कप मैंने चीनी डाली है, यानी 4 टेबल स्पून। अगर आप तेज मीठा खाते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे क्योंकि शक्कर से भी कई बार हमारा दूध जो है फट जाता है, तो इसको कंटिन्यू चलाएंगे शक्कर घुलने तक। तो शक्कर भी हमारी घुल चुकी है और 1-2 मिनट क्योंकि शक्कर ने पानी छोड़ा है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, ये गीला हुआ है। तो इसको हम मीडियम आंच पर ही थोड़ा थोड़ा चलाते हुए थोड़ा सा और वापस गाढ़ा होने तक खुला ही पकाएंगे। अब इसको हमें ढकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए हमारा वर्मिसली का मिश्रण काफ़ी अच्छा वापस से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस वर्मिसली के मिश्रण को रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा होने देंगे और थोड़ी सी देर बीच बीच में इस तरीके से चलाएंगे। इस पर हम मलाई नहीं जमने देंगे, ऑयली जो मलाई होती है उसको हम नहीं जमने देंगे और थोड़ा सा इस तरीके से चलाएंगे ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। और रूम टेम्परेचर पर इसको हम ठंडा करके फ्रिज में हम रखेंगे। तो पहले मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेती हूँ। फालूदा के लिए हम फ्रूट्स भी यूज़ करेंगे। इसमें मैंने एप्पल ले ली है, केला ले लिया है, अनार ले लिया है,
अंगूर ले लिया, चाहे तो काले अंगूर ले लें, आम ले लिया, जो भी फ्रूट आप कीवी ले लें, काले अंगूर ले लें, पाइनएप्पल ले लें, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का मैं उपयोग करूँगी, तो इन सब के मैं टुकड़े कर लेती हूँ, आम को, एप्पल को, केले को, अंगूर को काट लेती हूँ। वर्मिसली का मिश्रण मैंने रूम टेम्परेचर पर होने के बाद इस बाउल में ले लिया और इसको मैं ढक करके 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहें तो इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अब इसमें मैं आधा टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो हमारा ये कस्टर्ड फलूदा जो है, ये देखिए, बिल्कुल चिल्ड होके काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में हो गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। अब इसको हम ग्लास में डेकोरेट करते हैं। एक टेबल स्पून मैंने चिया शीट ले लिए और इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। गर्मी में जो है चिया शीट वैसे ही बहुत ठंडक वाली चीज़ होती है, तो हम आइसक्रीम फलूदा में भी यूज़ करते हैं और शरबत में भी यूज़ करते हैं, तो हम इस फलूदा कस्टर्ड में भी यूज़ करेंगे। तो इनको मैंने ले लिया है। डेकोरेशन के लिए हमने ये ग्लास ले लिए और इस तरीके की चौड़ी ग्लास में जो है हमारा डेकोरेशन अच्छा होता है। तो ग्लास में हम सबसे पहले ये चिया सीड्स डालेंगे, इनको अच्छा सा फैला देंगे और चिया सीड में जो है कोई टेस्ट नहीं होता है, ये हर टेस्ट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अगर इनको नींबू के पानी के साथ एडजस्ट करो तो हो जाते हैं, रूह अफ़ज़ा के साथ करो तो हो जाते हैं, आइसक्रीम के साथ करो तो हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको टेस्ट देने के लिए रूह अफ़ज़ा यूज़ करेंगे। ये मेरे घर का बना हुआ रूह अफ़ज़ा है, इसकी रेसिपी मैंने पहले से आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो जा कर के देखेंगे पूरा वीडियो। तो ये हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब इसके ऊपर हम हमारा फलूदा कस्टर्ड डालेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, पिस्ता डाल देंगे और अब कटे हुए फ्रूट्स की लेयर बिछाएंगे हम। अंगूर डालेंगे, बारीक कटे हुए हमारे एप्पल डालेंगे, ये आपके गेस्ट आने से पहले आप इस तरीके से ग्लासेस में सेट करके आप रख सकते हैं। पार्टीज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बारीक कटे हुए हम केले डाल रहे हैं, थोड़े से मैंगोज़ डाल देंगे, इसको अच्छे से एक बार एक जैसे बिछाएंगे और थोड़े से अनार के दाने डालेंगे और वापस से हम इस पर हमारा फलूदा कस्टर्ड स्प्रेड करेंगे। अब अपने ऊपर वापस से फलूदा कस्टर्ड की लेयर बिछा दी। अब इसके ऊपर हम वापस से फ्रूट्स रख देंगे, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, सीजनल जो भी फ्रूट हो। गर्मी में अंगूर आता है, मैंगो आता है, तो ये सभी अच्छे लगते हैं खाने में भी, और ठंडे करके हम इसको सर्व करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी रेसिपी है हमारी ये। इसमें बनानास डाल देंगे और मैंगोज़ डाल देंगे, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए, भर भर के हमारे साथ कस्टर्ड है और उसके साथ काफ़ी मात्रा में फ्रूट है, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इस पर हम थोड़े से अनारदानों से इसमें डेकोरेशन करेंगे। एप्पल के देखिए हमने छिलके नहीं उतारे, इससे क्या है कलरफुल भी लगता है। अब इसके ऊपर हम काजू पिस्ता डेकोरेट करेंगे, ये देखिए। तो हमारा बिल्कुल 5 स्टार जैसा कस्टर्ड फालूदा जो है घर पर बनकर के तैयार है। इसकी लेयरिंग देखिए, कितने अच्छे से इसमें रूह अफ़ज़ा, चिया सीड्स,
फ्रूट्स की जो है लेयरिंग हमें दिख रही है और ऊपर से भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों हमारा कस्टर्ड फलूदा बनकर के तैयार है। आप इसको फ्रिज में रख दें फिर से और ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें। गर्मियों के लिए, रमज़ान हो, चाहे आपका व्रत खोलना हो या कोई गेस्ट आ गए हों, घर में कुछ छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, तो उसमें ही आप पहले से बना करके रखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा गर्मियों में। तो इस तरीके से एक बार कस्टर्ड फलूदा बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। We'll be right back।